देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को रिपीटिंग के बारे में बताएंगे। रिपीटिंग कैसे की जाती है और रिपीटिंग कितने पार्टों को आपस में जोड़ते हैं, या किस धातु पे रिपीट बने होते हैं, या किन किन धातुओं पे रिपीटिंग की जाती है। तो आज हम आपको रिपीटिंग के बारे में बता रहे हैं कि रिपीट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बता रहे हैं कि रिपीट कैसे करते हैं। दो या दो से अधिक पार्टों में आपस में जोड़ने के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रिपीट के बारे में हम आपको विस्तार रूप से जानकारी दे रहे हैं। रिपीटों का उपयोग दो या दो से अधिक चादरों अथवा प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। रिपीट का प्रयोग स्थायी रूप से दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, पुलों, वायरों, जहाज़ों, छत, कैचियों तथा रेल के डिब्बों आदि के निर्माण कार्यों में रिपीटें का बहुत अधिक उपयोग होता है। यद्यपि आधुनिक युग में अधिकतर कार्यों में रिपीटिंग का स्थान बेल्टिंग से ले लिया है, फिर भी रिपीटिंग की अपनी अलग विशेषता है और इसका उपयोग आज भी उपयुक्त कार्यों में देखने को मिलता है। रिपीट एक गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हैंड बीच में बॉडी और दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है। इसका मुख्य प्रयोग दो या दो से अधिक धातुओं की प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिपीट प्रायः रॉट आयरन या साल्ट स्टील या पीतल, तांबा और एल्युमिनियम आदि बनाई जाती है। रिपीट को वर्गीकरण उसके रिपीटिंग हेड के आकार, बॉडी की लंबाई और व्यास के अनुसार किया जाता है। जैसे माइल स्टील इसमें हेड रिपीट 2x3mm रिपीट निम्नलिखित प्रकार की होती है। रिपीट का प्रयोग जहाज के डिब्बों में, वायरों में, जहाज़ों में, पार्टों में, बिल्डिंग, बहुत से कामों बिल्डिंग से किए जाते हैं, जिससे कि अब रिपीट का कम प्रयोग किया जाता है। फिर भी रिपीट का भी अपना अलग महत्व है रिपीट करने का। तो ऐसा नहीं है कि रिपीट का काम खत्म हो गया है। कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर हम बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पर रिपीट का ही प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, आपके रिपीट होते कितने प्रकार के हैं वो भी बता दें। आपके रिपीट होते कितने प्रकार के हैं? नंबर एक, देखिए नंबर एक स्नैप हेड रिपीट, हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया, ये आपका स्नैप हेड, ये आपका स्नैप हेड रिपीट है। देखिए, ये आपका हेड हो गया। जब हम दो चादरों को आपस में जोड़ते हैं, होल्ड करने के बाद ये रिपीट डालते हैं। डालने के बाद जो ये भाग होता है उसको बाद में हैमर के द्वारा इसमें चोट मारते हैं। चोट मारने के बाद क्या होता है, ये सर अंदर प्रवेश कर जाता है दोनों पार्टों के बीच में और वो दोनों पार्टों को आपस में चिपका देता है। जितनी हमारे दोनों पार्टों की आपस में मोटाई होगी, उतना ही मोटा और उतना ही बड़ा रिपीट लेते हैं। यदि हमारे पार्टों की लंबाई मोटाई 4mm है, हम 8mm का रिपीट डालेंगे तो हमारा 4mm रिपीट बाहर निकला रहेगा, जिससे कि ये देखने में भी सही नहीं लगेगा और हमारा जाप सही से सेट होकर के बैठेगा नहीं। इसलिए जितनी चादर की मोटाई होगी या दोनों पार्टों की जितनी मोटाई होगी, उतनी ही मोटाई का और लंबाई का रिपीट लेंगे, ताकि हमारा जो जाप है वो सही से सेट हो जाए। इसके बाद देखिए पैन हेड रिपीट, देखिए पैन हेड रिपीट के बारे में बताते हैं। इस प्रकार की रिपीट का हेड साले के आकार का होता है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग के भारी कार्यों जैसे राइडर, इंजन और बॉयलर आदि इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो आपकी पैन हेड रिपीट होती है, इसका प्रयोग भारी कार्यों में किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए काउंटर हेड रिपीट, इसके बाद ये आपका आता है काउंटर सैंक रिपीट। काउंटर सैंक रिपीट में देखिए, इस प्रकार की रिपीट का हेड ऊपर से गुलाई में अधिक और नीचे की कम होता है। इस रिपीट का अधिकतर प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर रिपीट के हेड को जाप की सतह से ऊपर ना रखना हो। काउंटर की देखिए, काउंटर सैंक रिपीट देखिए, जो हमारा काउंटर बना होता है वहाँ पर
शीशा या और कुछ प्लाई लगाते हैं जिससे कि हमारा जो हेड वाला भाग होता है उसके गहराई में छूट जाता है, ऊपर ऊपर नहीं होता, इसलिए इसे काउंटर सिंक रिपेट कहते हैं। फिर आप देखिए काउंटर सिंक के काउंटर के बाद आता है आपका कोनिकल हेड, कोनिकल हेड रिपेट। इसका प्रयोग इस प्रकार की रिपेट का हेड शंकु के आकार का होता है, इसका अधिकतर प्रयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। कोनिकल हेड रिपेट का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है रिवेटिंग टूल्स। हमारे रिवेटिंग टूल्स देखिए, रिवेटिंग टूल्स के बारे में कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। बालपन हैमर नंबर ओल्ड चीजर, देखिए बालपेन हैमर के द्वारा इसका प्रयोग रिवेटिंग करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। जो हमारा बालपेन हैमर होता है, जो पिन वाला भाग ऊपर वाला भाग होता है, उससे हम रिवेट लगाने का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर पे देखिए पोकर, पोकर कहाँ पर यूज करते हैं, इसका प्रयोग रिवेटिंग करने से पहले सुराखों को सीध में लाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारा पोकर होता है, जैसे दो पार्ट होते हैं, दो जाप होते हैं, तो उनमें ये होल में डाल करके उनको सीधा एक सेंटर में होल करने के लिए पोकर का प्रयोग करते हैं। रिपेट स्नैप, देखिए रिपेट स्नैप क्या होता है, इसका प्रयोग रिपेटिंग करते समय हेड के सही आकार में बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा रिपेटिंग स्नैप होता है, जो हमारी रिपीट होती है उसको सही आकार में उसका हेड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है बोलस्टर, इसका प्रयोग बोलस्टर हमारा होता है, इसका प्रयोग रिपीटिंग करते समय रिपीट के हेड के चारों ओर से दबाने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा कोल्ड चीजर, कोल्ड चीजर का प्रयोग रिपीट के बाद फालतू धातु को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे हम दो पार्टों में होल करते हैं, होल करने के बाद उसमें जो इधर उधर बर वगैरह होता है, बर को साफ करने के लिए कोल्ड चीजर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए रिपेट के साइज तथा प्लेट की मोटाई में संबंध, जैसे हम देखते हैं कि हमें कितना रिपेट मोटा चाहिए और जिस प्रकार से हमारा जाप मोटा हो उसी प्रकार से हमारे रिपेट मोटा और बड़ा हो, उसके बारे में देखते हैं कैसे हमें चेक करना होता है। देखिए नंबर एक पे लिखिए प्लेट की मोटाई, नंबर एक प्लेट की मोटाई में देखिए जितनी मोटाई की प्लेट को आपस में मिलाकर रिवेटिंग की जाती है उसे प्लेट की मोटाई कहते हैं। जैसे 6 mm और 3 mm मोटी दो प्लेटों को आपस में मिलाकर रिवेटिंग करनी हो तो प्लेट की मोटाई 6+3 तो दोनों को जोड़ करके 9 mm होगी। इसको ग्रिप की लंबाई भी कहते हैं। जो हम प्लेट जोड़ना है, जैसे हमारा 6 mm एक प्लेट है और दूसरी 3 mm है, तो जोड़ करके हमारा 9 mm हो जाएगा। तो हमें 9 mm की ही रिपीट लेना है, यदि इससे ज़्यादा लेंगे तो वो रिपीट बड़ी हो जाएगी, जिससे कि जो हम जो आपस में पार्ट जापों को जोड़ेंगे तो सही से बैठेगी नहीं, बाहर निकली रहेगी, जिससे कि वो बेकार लगेगी और चोट भी लग जाएगा। फिर इसके बाद देखिए रिपीट का व्यास नंबर 2 के बारे में, इसमें केवल बिना प्रयोग में लाई गई हुई रिपेट का व्यास लिया जाता है। रिपेट का व्यास निकालने के लिए साधारणतः निम्नलिखित सूत्र प्रयोग में किया जाता है, D=P, जहां रिवेट का व्यास जो
जो हमारा टी है, टी है प्लेट की मोटाई, प्लेट की हमारा टी है प्लेट की मोटाई। रिवेटिंग बिल, अब इसके आगे ये लिख दीजिए कि हमारे प्लेट की मोटाई कैसे निकालते हैं, रिवेट का व्यास कैसे निकालते हैं, तो लिख दीजिए रिवेटिंग बिल रिवेटिंग बिल। इस बिल में देखिए रिवेटिंग बिल में क्या होता है, प्लेट के डील पंचे, रिवेटिंग बिट में बता रहे हैं, प्लेट के डील पंचे किए हुए छेद में रिवेटिंग लगाकर टूल रिवेट हेड बनाने का तरीका रिवेटिंग कहलाता है। इसके लिए छेद का डायामीटर रिवेट के डायामीटर से थोड़ा बड़ा या करीब होना चाहिए रखा जाता है। रिवेटिंग के लिए छेद के किनारे पर बने बर को काउंटर सिंकिंग से साफ कर दिया जाता है, फिर रिवेटिंग चारकोल फर्नेस फर्नेस में डाल गर्म करके प्लेटों को छेद के अंदर डाल दिया जाता है। रिवेट के हेड को समीपवर्ती प्लेट के विपरीत कस कर रखा जाता है और टेल और हैमरिंग करके दूसरा रिवेट हेड तैयार कर लिया जाता है। कारखानों में जहां बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, यहां कम स्टीम हाइड्रोलिक न्यूमेरिकल रिवेटिंग मशीन से किया जाता है, लेकिन फिटर विभाग में छोटे साइज की रिवेटिंग भी हाथ से ही की जाती है। रिवेट हेड को सही बनाने का प्रमुख औजार जो हमारी रिवेट बनाने का सही औजार क्या क्या सा है दिखाते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को रिवेट कैसे बनाते हैं, रिवेट हेड को सही बनाने के लिए औजार देखिए कौन कौन से औजार हैं, नोट कर लीजिए। नंबर एक रिवेट सेट, नंबर दो रिवेट डोली, रिवेट डोली। नंबर तीन पे देखिए रिवेट स्नैप, रिवेट स्नैप। नंबर चार पे देख लीजिए हस्त रिवेटर, नंबर चार पर देख लीजिए ड्रिफ्ट, नंबर पांच पर हस्त रिवेटर, नंबर पांच पर पांच पाप रिवेटर, देखिए इसके बाद इन सब के बारे में जितने भी टूल्स लिखे रिवेटर है सही बनाने के प्रयुक्त औजार, इन टूल्सों के बारे में कल हम आपको बताएंगे सारे टूल्सों के बारे में कौन सा टूल्स का कहां पर प्रयोग करते हैं।